प्रोजेक्टर बनाना, ठीक है, प्रोजेक्टर बनाना सीखेंगे। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए पहले उसको हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या चीज चाहिए, ठीक है। यानी प्रोजेक्टर को के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वीडियो को बड़ा करके और आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। हम इसका उपयोग करके क्लास में भी आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन इसको बनाने के लिए पहले क्या क्या चाहिए उसकी जरूरत है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक इस तरह का एक डब्बा लीजिएगा, पूरा कवर वाला एक डब्बा, इस तरह का एक छोटा सा डब्बा लीजिएगा। डब्बा के साथ इस तरह का एक मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं या ग्लास बोलते हैं, या फिर ये बल्ब जो है ना, इस बल्ब को ले सकते हैं और इस बल्ब को भी हम मैग्नीफाइंग बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, इसमें पानी डालना होगा, ठीक है। अगर ये ना हो तो हम इसको इस तरह से इसको हम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक स्केच रखेंगे, या फिर हम कह सकते हैं पेंसिल मार्किंग करने के लिए, एक सीजर कैंची और एक मोबाइल फोन चलाने के लिए, इतना चीज काफी है। इस सब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्टर बना सकते हैं। और उस प्रोजेक्टर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वीडियो को बड़ा करके राइम्स देख सकते हैं, या अपने क्लास का जो पोएम्स है उसको हम क्लास के अंदर घर के अंदर भी बड़ा करके देख सकते हैं, प्रोजेक्टर बनाए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये सभी चीज देख रहे हैं आप, राजन इसको पकड़िए, गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। हम इस सबका उपयोग करके बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको नाप लेकर के हम यहाँ पे इसको नाप लेंगे, और नाप करने के बाद सबसे पहले इसको नाप ही करके, ठीक है, देख रहे हो आप, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नाप लेंगे और इसको चारों तरफ से इसको क्या करेंगे, पहले अच्छे से लाइनिंग पार लेंगे, ठीक है, देख रहे हैं आप। ऐसे लाइनिंग पारने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सीजर के माध्यम से, कैंची के माध्यम से क्या करेंगे, उसको गोल इसके शेप में या फिर इसके नाप को ले लेंगे, दोनों में से कोई एक, अगर जो भी हमारे पास रहेगा उसके नाप से इसको हम काट लेंगे, ठीक है, ताकि इसमें फंस सके। तो हम इसको काट लेंगे, और काटने के बाद देखो काटेंगे कैसे, अभी हम बता रहे हैं, जिसको हमने काटा है अभी हमको दिखा रहे, इसको हमने सीधा काटा है, देखो आप इसको शेप में दे सकते हो, हमने इसको ऑलरेडी काट रखा है ना, तो इसको हमने काट लिया है। अब क्या करना है, सीजर के माध्यम से इसको हमने काट लिया, यदि इस ये रहेगा आपके पास बल्ब रहेगा तो बल्ब की आकृति को हम इसमें काट के इसको फिट कर देंगे, ध्यान से ऐसा करना है कि ये फिक्स हो जाए। फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्लू का उपयोग कर सकते हैं, है ना, चिपकाने के लिए, या ऐसा चीज जो इसमें फंस जाए, जैसे इसको पकड़िए, हमने इसको इस तरह से बनाया है कि ये इसमें फंस रहा है, देखिए गौर से, देखिए हमने इसकी सेम आकृति काटी है और ये फंस गया इसमें, दिख रहे हैं, फंस गया ना। अब क्या करेंगे, तो ये कवर होना चाहिए प्रॉपर रूप से, कवर होगा तभी इसका जो है क्या होगा, जो भी हम इसमें मोबाइल में चलाएंगे उसका रिफ्लेक्शन के बाद दूसरी जगह जो है उसका प्रोजेक्ट करेगा। अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, एक स्टैंड ले लेंगे, जैसे मोबाइल अभी बुक था किसके पास, लाइए बुक लाइए, मान लीजिए अभी हमारे पास बुक है, लेकिन यहाँ पे एक स्टैंड बना लेंगे ताकि हमारा ये जो मोबाइल है इसको यहाँ पे इसको रोक सके, ठीक है, देख रहे हो। अब मोबाइल को यहाँ पे रोकने के लिए हमको, जैसे मान लीजिए हम ग्लास अभी फिलहाल रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम ये मोबाइल में क्या करेंगे, कोई भी वीडियो को चलाएंगे, ठीक है, पहले ये सब करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसको प्रॉपर रूप से गोल करोगे, फिट करोगे, हैं, थोड़ा सा भी लाइट नहीं आना चाहिए बाहर की तरफ। अब यहाँ पे फिट करने के बाद मोबाइल में एक वीडियो चलाएंगे, और वीडियो को चलाने के बाद वीडियो उल्टा होना चाहिए, ध्यान रखना है कि वीडियो इसमें मोबाइल में जो चलेगा वो वीडियो उल्टा होना चाहिए, क्योंकि ये मैग्नीफाइंग लेंस जो है इसका क्या करता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर मोबाइल में उल्टा रहेगा तो आगे सीधा बनेगा उसका वीडियो, सीधा बनेगा। तो हमें क्या करना है, मोबाइल में ऐसा करके वीडियो चला के यहाँ पे छोड़ देना है, और ऊपर से इसको, इसका जो ढक्कन होगा उससे इसको कवर कर देना है, ठीक है। तो मान लीजिए अभी हमारे पास ढक्कन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके द्वारा ऐसे करके कवर कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हो। कवर करने के बाद जैसे ही मोबाइल चलाइएगा अंधेरे में, ये आप इसको पूरा वीडियो आपको दिख जाएगा। एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन बताया, अच्छे से इसको समझ लेना है क्या क्या करना है। सबसे पहले बॉक्स लेना है, और जो जो मटेरियल्स हमने बताया वो लेना है, या फिर बल्ब लेना है, और उसको उसी साइड में क्या करना है, इसको यहाँ पे काट लेना है और उसको फिट कर देना है, लेकिन बल्ब में पानी डाल देना है, और ये मैग्नीफाइंग जो ग्लास है ये ऐसे ही रहेगा, इसको फिट कर देंगे। अब क्या करेंगे, तो स्टैंड लगाएंगे और मोबाइल को वीडियो चलाएंगे, जो भी वीडियो आपको देखना है वीडियो उल्टा होना चाहिए मोबाइल में, मोबाइल में वीडियो उल्टा चलेगा। और जैसे ही उसको स्टैंड के पास रखेंगे, और जब अंधेरे में दीवार के ऊपर आप देखिएगा तो इसका बड़ा सा पिक्चर आपको दिखाई देगा, अभी हम वो भी दिखाएंगे आपको करके। पहले ये समझ में आ गया,
जो भी काम करेंगे सुरक्षित रूप से करेंगे, क्योंकि इसमें कटने का संभावना है, हाथ कर सकता है, तो ध्यान से ये सब काम करेंगे। अब थोड़ा देर बाद हम लोग देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। पकड़ो।